फैन क्या है बेटा? वेयर इज फैन? ओ फिंगर दिखा दीजिए, फिंगर, वेयर इज फैन? ऊपर है फैन। ओ हाय गाइज, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। आज है साथ का बर्थडे, तो रात में कुछ तैयारियां इसकी बाकी रह गई थी, इसने पूरी नहीं की थी, बहुत लेट हो गया था, तो ये सुबह उठते ही लग गई है फिर से सब करने में, ताकि बैंक से आने के बाद टाइम नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल पार्टी के टाइम पर ही लौट कर आएगी ये। और पार्टी में भी कुछ ज़्यादा गेस्ट नहीं है, बस हम लोग सब फैमिली वाले ही होंगे। सुबह उठने के साथ जो सबसे पहला काम मैंने शुरू किया था, वो दही बड़ा बनाना शुरू किया था, क्योंकि दही बड़ा में दही भीगने में समय लगता है बड़े के अंदर, तो अगर जल्दी बन जाता है तो शाम तक बहुत अच्छे से दही इसके अंदर भीग जाएगा और तब बहुत टेस्टी लगेगा दही बड़ा। इसलिए मम्मी ने कहा तुम सबसे पहले दही बड़ा बनाना शुरू करो, तो मैंने ये शुरू किया और मम्मी बाकी के काम में लग गई थी। और उसके बाद कल मैंने शेजवान चटनी बनाना शुरू तो किया था, पर एक उसको मिर्ची को बॉयल करके मैंने ग्राइंड कर लिया था, लेकिन मैं चटनी बना नहीं पाई थी क्योंकि बाकी के कामों में बहुत टाइम लग गया था। मैं मार्केट भी चली गई थी तो बहुत टाइम लग गया था, मैं बना नहीं पाई। तो मैंने अभी से दही बड़ा बनाने के बाद मैंने शेजवान चटनी भी शुरू किया था साथ में ही बनाने का। तो ये देखिए, सबसे पहले तेल गरम करके मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद मैं इसमें मिर्ची डाल के, मिर्ची का जो पेस्ट है उसको डाल के अच्छे से भूनूंगी, और इसी में मैंने साथ में दालचीनी भी डाल दिया है। दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चटनी में। तो ये देखिए, अब मैं ये इसमें मिर्ची डालकर भून रही हूँ। बहुत टेस्टी बनता है शेजवान चटनी, मैं नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा, जस्ट बिकॉज़ ये बहुत स्पाइसी होता है, पर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। कुछ दूसरे को भी खोलने का मौका दे दो बेटा, लाओ मम्मा खोल दे। हाँ मम्मा नहीं खोले, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर घूम के खोलो। इसमें क्या है? बलून में एंगेज हो गए तुम। माता रानी की जय। आइए एक बार बस जय करके चल चलते हैं। प्रेम से बोलो माता रानी की जय, प्रेम से बोलो सारे भगवान की जय, प्रेम से बोलो अपने गुरुदेव की जय, प्रेम से बोलो सारे देवता लोगों की जय। चल बैठ रहे हैं। भगवान जी सारा गलती कसूर सब क्षमा कर दीजिएगा, बुद्धि दीजिएगा, विद्या दीजिएगा, विवेक दीजिएगा, खूब सारा डिसिप्लिन दीजिएगा, थोड़ा स्टूडियस बनाइएगा, थोड़ा मेरिटोरियस बनाइएगा,
ठीक है, और जो भी गलती कसूर होगा सब क्षमा कीजिएगा, सारा गलती मेरा रख लीजिएगा और हमको सिर्फ सद्बुद्धि दीजिएगा। तेल दे दीजिए हमको, फिर माथा बाला दे, फिर बाला। हाय हाय, हेलो हेलो, ओ या फैन क्या है बेटा, वेयर इज फैन, ओ फिंगर दिखा दीजिए, फिंगर, वेयर इज फैन, ऊपर है फैन, ओ हैप्पी बर्थडे सैट। अब इनका सोने का समय हो रहा है दिन के नाप का, तो मैं अभी इनको सुलाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी इस वक्त सैट के पापा बना रहे हैं आलू परवल की सब्जी, उनका बहुत मन था कि ये सब्जी वो खुद अपने हाथों से सात के पौधे के लिए बनाए, तो हम लोग फिर मना नहीं कर पाए, तो वो खुद अपने हाथों से बना रहे हैं और बाकी का सारा डिश मम्मी बनाएंगी। मासू देख के तो खुश हो जाएगी, नए नए ड्रेस का साथ क्या हाल करते हो। नहीं रोते बेटा। और ये मेरी सेजवान चटनी बनके तैयार हो गई, बिल्कुल देखने में मार्केट जैसे दिख रही है ना, और टेस्ट भी इसका बिल्कुल मार्केट जैसा ही बना है, बहुत टेस्टी है ये, बिल्कुल आप खा के पकड़ नहीं पाएंगे कि ये घर का बना हुआ है। बेटा ये लोग सबके लिए है, फट गया, हो दे दो, मम्मा संभाल के रख दे, मम्मा संभाल के रख देती है, चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देते हैं देते हैं देते हैं देते हैं, एकदम देते हैं, एकदम देते हैं, एकदम, हाँ बड़ा बाइट का फुला लेंगे।